Good morning, my little stars. How are you all? Fit and fine? That's good. To make this day more beautiful, let's pray to God. All of you, join your hands for prayer. Shakti hame de पर चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखने हैं। नेक्स्ट
When the children returned back home from the walk, South Indian delicacies greeted them. जब बच्चे वॉक से अपने घर वापस आते थे तब साउथ इंडियन डेलिकेसीज उनका वेट कर रही होती थी. Is it true or false? Yes, it's false. साउथ इंडियन डेलिकेसीज उनका वेट नहीं कर रही होती थी बल्कि पंजाबी फूड उनका वेलकम कर रहा होता था. ओके, सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. Lesson number 15 is A Green Future. इस चैप्टर में बेटा राहुल और रिया दो बच्चे हैं जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एनवायरमेंट इश्यूज को लेकर डिस्कस करते हैं. वो सभी आपस में कॉन्वर्सेशन करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स का अल्टरनेट क्या हो सकता है. हम फॉसिल फ्यूल्स की जगह पर ऐसी कौन सी एनर्जी का यूज करें जिससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो. सोलर एनर्जी के फील्ड में कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई है ये सब भी इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. सोलर रूफ, सोलर कार्स, सोलर सिटीज, ओके, ये सब सोलर एनर्जी की फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है. नाउ हियर इज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. Choose the correct option. अगर आपको बेटा इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे. Who won candy and wooden whistle? पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए. क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने कैंडी और वुडन विसल को जीता. अब जब ग्रैंडपा राहुल और रिया के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को शेयर करते हैं, जब हम इस तरह से ट्रेजर में जीत जाते थे तो हमें क्या मिलता था, हमें कैंडी या वुडन व्हिसल मिलती थी. तो यहाँ पर कौन जीतता है कैंडी और वुडन व्हिसल को? ग्रैंडपा, ऑप्शन बी. सो यू विल टिक हियर. सेकंड सेंटेंस, एनीथिंग That cannot continue to be used forever is called dash. ऐसी कोई चीज जिसे आप हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते उसे कहते हैं. यहाँ पर आपके पास बेटा थ्री ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन ए अनसस्टेनेबल, ऑप्शन बी ओमनीप्रेजेंट, ऑप्शन सी पेरेनियल. तो आप देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए. Yes, option A, unsustainable. ऐसी कोई भी चीज जिसे हम हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं उसे अनसस्टेनेबल कहते हैं, जिसे बहुत लंबे टाइम तक हम सस्टेन करके नहीं रख सकते हैं. अब यहाँ पर हमने बेटा इस बॉक्स में टिक लगाया. हमारे पास यहाँ पर भी एक स्पेस गिवन है दिखने के लिए. तो अगर आपको इस तरह से कोई स्पेस गिवन होता है तो आप उस स्पेस में भी अपना आंसर राइट डाउन करें. सो यू विल राइट हियर आल्सो अनसस्टेनेबल लाइक दिस. लेसन नंबर 16 इज अ पोएम. Be glad your nose is on your face. This poem tells you to be grateful for the ordinary things. आपको इस poem में बेटा ये बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों के लिए भी गॉड को थैंकफुल होना चाहिए. This poem tells us to be grateful for what we have rather than focusing on what we don't have. ओके, ये पोएम आपको बताती है कि हमें उन चीज़ों के लिए गॉड को थैंक बोलना चाहिए जो हमारे पास हैं, बजाय उसके कि हम उन बातों की तरफ ध्यान दें जो हमारे पास नहीं है. और ये बात पोएट ने बहुत ही फनी वे में एक बहुत ही लाइट टोन में कही.
Write the meanings of the following words. अब जैसे बेटा आपको यहाँ पर वर्ड गिवन है सैंडविच, आपने इसका मीनिंग लिखना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंडविच? यस, टू इंसर्ट बिटवीन टू अदर थिंग्स, किन्हीं दो अदर थिंग्स के बीच में इंसर्ट करना. ओके, सो वी विल राइट डाउन हियर टू इंसर्ट बिटवीन टू अदर थिंग्स. नेक्स्ट वर्ड इज कैटेस्ट्रफी. कैटेस्ट्रफी मीन्स डिजास्टर, परेशानी. सो वी विल राइट हियर डिजास्टर, डी आई एस ई एस टी आर, डिजास्टर. You will learn all the new words with correct spellings. Okay, बच्चे, आप बेटा spellings को भी बहुत अच्छे से learn करेंगे और फिर आप उसको लिखेंगे. Lesson number 17 is Shake Chilli's Sickle. Shake Chilli is famous for his mischievous wit. और इस चैप्टर में भी बेटा एक ऐसा ही फनी इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया है. शेक चिली'ज मदर हैंडेड ओवर सिकल टू शेक चिली एंड आस्क्ड हिम टू गो इन द जंगल एंड कट सम ग्रास फॉर द काउ, बट शेक चिली लेफ्ट द सिकल इन द जंगल इटसेल्फ. और शेक चिली को ये याद आता है थोड़ी देर के बाद कि वो सिकल को तो फॉरेस्ट में ही भुलाया है. Then he rushed back. आप जंगल में पहुंचकर शेर चिली ये देखता है कि सिकल वो जहां पर छोड़कर गया था, सिकल एज इट इज वहीं पर है. And the sickle became so hot due to the blazing sun. अब शेर चिली सिकल को टच नहीं कर सकता था, बहुत पजल हो जाता है शेर चिली. तभी वहां से उसके नेबरहुड में एक बॉय रहता था जिसका नाम लल्लन था. अब लल्लन शेख चिली का मजाक बनाता है और उसे कहता है कि सिकल को फीवर हो गया है, आओ मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है. अब लल्लन शेख चिली को अपने साथ एक वेल के पास लेकर जाता है और सिकल को वेल के साथ जो रोप अटैच होती है उसके साथ में उसको टाई करता है और हैंग कर देता है ठंडे ठंडे पानी में. और लल्लन शेख चिली को कहता है कि अब आप घर जाओ और इवनिंग होने से पहले आप आ जाना और अपने सिकल को ले जाना, तब तक इसका फीवर चला जाएगा. अब शेख चिली लल्लन की बातों में आ जाता है, वो घर चला जाता है. अब जैसे इवनिंग होती है शेख चिली जंगल की तरफ को वापस चलता है अपने सिकल को लेने के लिए. जब रास्ते में वो लल्लन के घर के पास से गुजरता है तो शेख चिली सुनता है कि लल्लन के घर के अंदर से किसी के करहाने की आवाज़ें आ रही हैं. एंड ही वेंट इनसाइड, ही सॉ दैट लल्लन्स ग्रैंडमदर वॉज इन फीवर. और शेख चिली सोचता है कि जिस तरह से सिकल को टाई करके रोप के साथ हमने वेल में हैंग कर दिया था, ऐसे ही ग्रैंड मदर को भी रोप के साथ में टाई करेंगे और वेल में हैंग कर देंगे तो उनका फीवर ठीक हो जाएगा. तो लल्लन की ग्रैंड मदर को शेख चिली कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, आपका फीवर ठीक हो जाएगा. और वो ग्रैंड मदर को वेल के पास लेकर जाता है और उन्हें टाई करने की कोशिश करता है. इतनी देर में लल्लन और उसके फादर वहाँ पर पहुँचते हैं और ग्रैंडमा को सेव करते हैं. एंड लल्लन्स फादर थ्रैश्ड लल्लन फॉर टीचिंग अ रॉन्ग थिंग टू शेक चिली. लल्लन की बहुत पिटाई होती है अपने फादर से क्योंकि उसने शेक चिली को एक गलत बात सिखाई होती है. ओके, अब बच्चे क्वेश्चन आंसर आप जब सॉल्व करेंगे तो जब आप आंसर लिखेंगे बेटा, यू आर आंसर
should be very clear. आप जो भी लिखे बेटा उसको बिल्कुल क्लियरली लिखें और कंप्लीट आंसर को आप लिखें. ओके, योर स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. आप ग्रामर का उसमें ध्यान रखेंगे कि आप ग्रामेटिकल एरर्स को उसमें ना करें और आप अपनी बात को आंसर में कंप्लीटली कन्वे करें. अब जैसे यहाँ पर बच्चे आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड शेख चिल्ली'स मदर आस्क हिम टू डू. शेख चिल्ली की मदर ने उसे क्या करने के लिए कहा. अब हम इस आंसर को इस तरह से लिखेंगे, शेख चिल्ली'स मदर आस्क हिम टू कट अ लॉट ऑफ ग्रास फ्रॉम द जंगल फॉर द काउ. शेख चिल्ली की मदर ने शेख चिल्ली को जंगल से गाय के लिए बहुत सारी ग्रास कट करने को कहा. सो दिस आंसर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. तो बेटा आप जो भी आंसर लिखें वो अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे करें. ओके, सो आई होप यू ऑल विल कीप दीज थिंग्स इन माइंड. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज वोकैबुलरी वर्ड्स. आर तक बेटा हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं. नाउ वी विल रिवाइज फ्रॉम लेटर एस. फर्स्ट वर्ड इज सेटिस्फैक्शन. सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, कंटेंटमेंट. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, चीखना. सीज, सीज मीन्स किसी चीज़ को काबू में करना. सिक्योरिटी, सुरक्षा. सीवियर, बहुत तेज. लेटर टी. फर्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी मीन्स सेरेनिटी, शांति. सेकेंड वर्ड इज टेंडर. टेंडर मीन्स सॉफ्ट, डेलिकेट. टुगेदर मीन्स साथ साथ. थॉटफुल, जो सोच विचार करता हो. ट्रस्टवर्दी, विश्वास करने लायक. अल्टीमेट मीन्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा. अपराइट मीन्स वर्टिकली स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा. अनकंडीशनल मीन्स विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी शर्त के. यूनिक मीन्स अलग. अपलिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना. वाइवेशियस मीन्स लाइवली. विविड मीन्स कलरफुल. वेरीफाई, चेक करना. विक्ट्री, जीत. वर्सेटाइल मीन्स अलग अलग तरह का. विंडफॉल, समथिंग दैट हैज़ बीन ब्लोन डाउन बाय द विंड. हवा की वजह से कुछ नीचे गिर जाना. नेक्स्ट इज होलसम. मीन्स प्रमोटिंग गुड फिजिकल हेल्थ एंड वेल बींग. वर्थ मीन्स योग्य, लायक. विलिंग मीन्स इच्छुक, जो किसी काम को अपनी मर्जी से करना चाहता हो. विटी मीन्स वाइज, और यू कैन से हैविंग गुड जजमेंट. 05 एक्स ई आर ओ पी एच आई एल ई. जेरोफाइल is an organism that can grow and reproduce in conditions with a low availability of water. Next word is xerography. X E
R O G R A P H Y. Xerography is a dry photocopying technique. Okay? Next, Xeric. X E R I C. Xeric means very dry, containing little moisture. Next is Xenium. X E N I U M. Xenium means a gift, usually food items, given to a guest in ancient Greek. And the last word is Xenops. X E N O P S. Xenops is name of a bird. Yearn. Y E R N. Yearn means eager or brisk, tez. Yield. Y I E L D. Yield means to give or to produce. Third word is yearly. Y E A R L Y. Yearly means annually, जो साल में एक बार होता है. Next word is yonder. Y O N D E R. Yonder means at a distance, कुछ दूरी पर. And the last word is yoke. Y O K E. Yoke means jodi, in a couple. Zoological, related to animals. Zealous means full of zeal. Zenith, highest point. Zestful means eager or enthusiastic. Zonal means divided into zones. Take care, all of you. Keep smiling and keep learning.